हेलो गाइस, बैक टू बैक माय चैनल DS5G। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑयल रिग जो प्लेटफॉर्म होता है उसको समुद्र में यानी ऑफशोर पर कैसे स्थापित किया जाता है। दोस्तों, ऑफशोर पर स्थापित करने के लिए कई मशीनरीज होती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक क्रेन के द्वारा इसको खींचा जा रहा है। दोस्तों, मशीनरी काफ़ी हैवी होती हैं क्योंकि समुद्र के अंदर से ड्रिलिंग करके क्रूड ऑयल्स निकाला जाता है, कच्चा तेल निकाला जाता है जिसे रिफाइनरी करके डीजल पेट्रोल में कन्वर्ट किया जाता है। आप देख पा रहे हैं कि एक समुद्र में शिप के द्वारा मशीनरी को ले जाया जा रहा है। शिप के द्वारा मशीनरी को ऐसे स्थान पर ले जाया जाएगा जहाँ पर इंजीनियरों द्वारा पहले जाँच किया जाता है कि यहाँ पर डीजल पेट्रोल उपलब्ध है या नहीं, अर्थात क्रूड ऑयल उपलब्ध है या नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जो ये आपको देख रहा है पाइप वाला एक सिस्टम है, इसको समुद्र के अंदर डाला जाएगा और इसके अंदर लाइनें को फांस कर, बड़ी बड़ी लाइनों को फांस कर इसको एक जगह स्थिर कर दिया जाएगा, जिसके ऊपर फिर प्लेटफॉर्म को स्थापित किया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, वो हमारा जो क्रेनें लगी हुई हैं वो एक शिप है और इसको हम समुद्र में अंदर डाला जाएगा। तो आप देखते रहिए। जैसा कि देख रहे हैं कि समुद्र में डाल दिया गया है और इसको क्रेन की मदद से ऊपर अपलोडिंग किया जा रहा है, अर्थात ऊपर खड़ा किया जा रहा है। खड़ा होने के बाद दोस्तों, इसकी मजबूती प्रदान करने के लिए इसमें अब पाइपों को, जो मोटे मोटे पाइप्स होते हैं, इनको इसमें अंदर डाला जाएगा जिससे कि समुद्र में अंदर जा सकें और इसको स्थिर करने में मजबूती प्रदान कर सकें। देखिए, आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्रेन के द्वारा बड़े बड़े पाइपों को उठा करके और इसके मोटे मोटे जो पोला होते हैं उनमें पेस करके अंदर फांसा जा रहा है। लाइन को देखा है आपने कि लाइन अंदर चली गई है, अब वापस दूसरी लाइन को लाया जाएगा और इसी पर उसको ठोक करके, अर्थात उसको उसमें पेस घुसा करके उसको अंदर दबा दिया जाएगा ताकि ये समुद्र में अंदर जाके एक मजबूती स्थिर प्रदान कर सकें। दूसरी लाइन को वापस लाया जा रहा है और उसी पर रख करके और उसको दबा दिया जाएगा ताकि ये अंदर से अंदर जा सके। जैसे कि आप देख रहे हैं, इनको दोनों लाइनों को वेल्डिंग, दोनों पाइल्स होती हैं उनको वेल्डिंग करके मजबूती प्रदान की जा रही है। ये मजबूती कर रहे हैं कि हमारे सर इंजीनियर सर हैं, वेल्डर्स रवि जांगड़। इसी तरह और पाइप लाइनों को उसमें अंदर डाला जा रहा है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि चारों जो कोने होते हैं उन पर पाइप लाइनों को बराबर अंदर तक धांस करके मजबूती प्रदान करने में लगी हुई है मशीनरी। आप देख रहे हैं कि एक बड़ा एक शिप है जिसमें हैमरिंग के द्वारा इसको अंदर दबा दिया जाएगा। देख रहे हैं कि हैमरिंग के द्वारा अंदर दबा रहा है। अंदर दबने से अब क्या होता है दोस्तों, कि जो रिग होता है, प्लेटफॉर्म बना होता है, वो मजबूती से और समुद्र के अंदर जो पाइपलाइन को फांसा जा रहा है ये उसके अंदर धस जाती हैं ताकि वो स्थिर रह सके, इधर उधर हले नहीं। इस पर दोस्तों ONGC कर्मचारी होते हैं, वो काफ़ी संख्या में वर्क करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि देखो, चारों कोनों पर वेल्डिंग कर रहे हैं इंजीनियरिंग जी। पाइल्स को हैमर के द्वारा अंदर धांसा जा रहा है, अर्थात अंदर दबाया जा रहा है। अब आप देखते हैं कि प्लेटफॉर्म पर कर्मचारियों को नहीं जाना शुरू कर दिया है और अपना वर्क स्टार्ट करते हैं ताकि और अधिक मशीनरियों को इसके ऊपर लगाया जा सके। थोड़ी देर में आप देखोगे कि इस पर कर्मचारी नाप, ये इंजीनियर सर हैं जो उसकी नाप ले रहे हैं कि ये कितना और अंदर धंसना चाहिए या फिर कितना इस पर वेल्डिंग और होनी चाहिए।
जैसा कि देखो दोस्तों, जो फालतू जो हमारा जो उसमें जो बचा हुआ था लोहे का पाइप, उसको गैस कटर के द्वारा काट दिया गया है। अब वापस से शेष बचे हुए खाने को अच्छी तरह से वेल्डिंग से उसको मजबूती प्रदान की जा रही है। अब दोस्तों आप देखिए कि और मशीनरियों को जो भाल अभी बनाए गए प्लेटफॉर्म पर स्थापित किया जाएगा, पहले कुछ पाइपों वाले सिस्टम को इसमें डाला जा रहा है। अब दोस्तों आपको जो वीडियो में दिख रहा है कि जो ये पूरा प्लेटफॉर्म जो येलो प्लेटफॉर्म दिख रहा है, इसको पूरे को उठा करके और जो टॉप साइड होती है उस पर इसको लगा दिया जाएगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि क्रेन के द्वारा इसको उठाया जा रहा है। क्रेनें कई संख्या में कई होती हैं, 4 से 5 क्रेन होती हैं प्रत्येक रिग पर, ताकि एवरी मशीनरी को अच्छी तरह से सटीक रूप से उस पर स्थापित किया जा सके। अब दोस्तों क्रेन के द्वारा पूरे जो प्लेटफॉर्म मैं आपको बता रहा था उसको उठा लिया गया है और उस रिग पर उसके चारों जो कोने थे उन पर दिए गए जो आप वीडियो में देख रहे हैं, चारों कोनों को स्थापित कर दिया जा रहा है ताकि वो स्थिर हो सके और उस पर एक अच्छी तरह से वर्क कर सके। अब दोस्तों कंप्लीशन कंप्लीट हो चुका है, इस पर हमें रिग को रख दिया गया है। अब वापस से कुछ शेष बचे बसे हुए कार्यों को कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ONGC जो कर्मचारी होते हैं वो कई संख्या में ऑयल रिग पर काम करते हैं। लगभग लगभग एक ऑयल रिग पर 200 से 250 कर्मचारियों को रखा जाता है, रिग की देख रेख के लिए, रिग के इंजीनियरिंग के लिए, रिग में पेट्रोलिंग वगैरह की जांच के लिए, सब कुछ के लिए अलग अलग कर्मचारियों को रखा जाता है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ना भूलें। ओके।